चलिए सर कटास में आपको बता दो व्हाट इज एसईओ। एसईओ का भी यूज होता है, कहाँ हम यूज करते हैं, कहाँ हमें यूज करना पड़ता है और व्हाट और एसईओ क्या होता है। चलिए सर करते हैं, मेरा नाम फरजान है, मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी नॉलेज अगर नहीं हो तो एक चीज करना पड़े, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए और ऑन कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए सर करते हैं, मैं आपको बताऊँ व्हाट इज एसईओ। एसईओ का जो अगर फुल फॉर्म देखा है तो फुल फॉर्म है कि सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे हम यूज करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करते, जैसे अगर देखा तो हमने यूट्यूब का चैनल कोई क्रिएट किया हमने कोई बनाया तो वहाँ पे हम एसईओ कैसे यूज करेंगे, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई तो वहाँ पे यूज वहाँ पे जी आपको बताऊंगा यूट्यूब एसईओ कैसे यूज करते हैं। तो आपको अगली वीडियो बताऊंगा यूट्यूब एसईओ कैसे, जैसे आपने ऐसे अगर आपने बनाया है, जैसे आपने एक वीडियो चैनल बनाया है यूट्यूब के चैनल बनाया है, ऐसे कैसे यूज करेंगे, जैसे आपने अगर की वर्ड आउट टू मेगा रोटी या आउट टू मेगा रोटी इन आपने गूगल पे लेगा तो उसका जो अगर वो है जो आपका वो जो कीवर्ड है वो है एवरग्रीन है आपका वो क्योंकि उसपे बहुत सारी वीडियोस बनी वो जो भी आप रोटी बनाएंगे आप हाउ टू मेक अ रोटी वो हर तरीके से अपने अपने लोग बनाते हैं तो आपने लिखा हाउ टू मेक अ रोटी तो उसकी तरीके से सारी वीडियोस आएंगी ये देखिए तो आपको सही से आपको आप लैपटॉप किसी में चलिए लैपटॉप किसी में चलता है आपको सही देखे था उसमें बनाऊंगा कि अब मैं बताऊंगा कि आपके के एवरग्रीन टॉपिक क्या होता है। एवरग्रीन टॉपिक मतलब जो बार बार सर्च होता है, जैसे अगर आपने देखा है कि एवरग्रीन टॉपिक है ये हाउ टू मेक रोटी, ये देखिए हाउ टू मेक अ केक ये भी एवरग्रीन है, हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा एट होम ये भी एवरग्रीन टॉपिक है। ये तो ये एक देखा था आपने ये कीवर्ड करा था, ये एसईओ करा था यूट्यूब का, जैसे आपने आपने देखा हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा एट होम, मैंने अभी मैंने बोला हाउ टू मेक अ रोटी हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा एट होम, ये देखिए अभी मैंने विद आईक्यू एसेंशियल मैंने नोट किया, ये देखिए अभी बताएगा कि इसका रिजल्ट कैसा है, ये भी एक एसईओ करा था, ये इस तरीके से आपका वॉल्यूम बता था कि वॉल्यूम क्या है, कॉम्बिनेशन कितना है, ये देखिए कॉम्बिनेशन वेरी हाई है इसका, ये देखिए 1.6 मिलियन पर, ये देखिए 20 मिलियन पर ये व्यूज है इसकी, ये वीडियोज 1.6 मिलियन पर है, ये 9.5 मिलियन पर ये व्यूज है, ये देखिए इस पर जो टैग सकते कीवर्ड सकते वो आपका एसईओ कहलाता है। जैसे ये मैं आपको बता दूँ एक में आपकी ये ऊपर वाली वीडियो खोल के दिखाता हूँ हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम, ये देखिए आईएस व्यूज 21 एवरेज व्यूज, ये कीवर्ड अब मैं आप बता दूँ और वो टॉप क्रिएटर किचन विद आमना, ये देखिए मैंने ये वीडियोज को ओपन की, मैंने अभी ये वीडियो ओपन की तो ये सामने एवरेज टाइम है 6.39 और 20.2 मिलियन, यानी कम से कम कीवर्ड आपको बता रहा कीवर्ड क्या होता है, ये देखिए वो मेड पिज़्ज़ा वीडियो रेसिपी, ये जैसे देख रहे ना अभी देखिए ये ओ मेड पिज़्ज़ा वीडियो रेसिपी स्टार्ट टू फिनिश पिज़्ज़ा रेसिपी विद डब सॉस एंड टॉपिंग्स, ये देखिए ये होता है आपका कीवर्ड्स, इस कीवर्ड के जरिए आपकी वीडियो रैंक करती है यूट्यूब पे। अगर मैं आपको वेबसाइट का बता दूँ, वैसे मैंने आपको वेबसाइट के बताना चाह रहा मैं इसमें बता दूँ यूट्यूब पे आपकी वीडियो कैसे अपलोड करती है व्यू करती है, देखिए अब मैं आपको बताऊँ टैक्स यहाँ पे भी ये कुछ टैक्स काम आते हैं जो एसईओ की तरफ से में ही होते हैं, जैसे अगर आप कोई एसईओ काम करते हैं तो इसमें आपको टैक्स लाने पड़ते हैं आपकी वीडियोज़ को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियोज़ को ऊपर लाने के लिए, जैसे ये देख रहे हैं टैक्स देख रहे हैं भावना किचन ये सब इंडियन रेसिपी वीडियोस ये सब ये आपके टैक्स लगते हैं इसमें। अगर मैं ही टॉपिक हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम गूगल पे सर्च करता हूँ, ये देखिए हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम, ये देखिए सबसे ज़्यादा यूज ये आपका कीवर्ड क्या था, ये देखिए ना आपके ये कीवर्ड बाहर आपका ये और इस जो इसके आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो कीवर्ड गिरा था आपका, ये असल कीवर्ड ये होता आपका, ये कीवर्ड होता आपका हाउ टू मेक एट पिज़्ज़ा एट होम क्या आपने लिखा तो यहाँ पे देखिए कितनी वेबसाइट आपकी सर्च करी, ये देखिए अबाउट 14.90 ये देखिए 0.61 सेकंड्स कम से कम ये है लोड किया, तो जब भी इसने सारी वेबसाइट इसने ला के दिखा दी हाउ टू मेक पिज़्ज़ा एट होम, ये देखिए कितनी सारी वीडियोस है। अगर आप ये एवरग्रीन टॉपिक अगर इस टॉपिक पर बनाएंगे तो ये एवरग्रीन कीवर्ड कराता है ये एसईओ में, ये देखिए अगर मैं आपको बताऊँ वेबसाइट ये देखिए उसके टॉप पे वेबसाइट ये देखिए
कितनी है ये पिज़्ज़ा, इंडिया है, इंडियन की वेबसाइट ये देखिए, सिंपली रेसिपी ये भी टॉप पर है। हाउ टू मेक अ पिज़्ज़ा एट होम, ये देखिए ये इसमें बेकरिंग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री यूज़ करते हैं, इसमें SEO यूज़ करते हैं, पूरी की पूरी टॉप पे वीडियो, टॉप पे वेबसाइट लाने के लिए, टॉप पे वेबसाइट लाने के लिए, ये कैसे लानी है कैसे नहीं लानी, तो ये तरीक़ाकार होता है SEO यूज़ करने का। चलिए अब चलते हैं, आपको बता दो आगे कि आगे और क्या काम आता है यूट्यूब SEO क्या होता है वो इसमें आपको अब आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको बताया कि ये हाउ टू मेक अ रोटी, उसका जो कीवर्ड होता है वो सब कुछ मैंने आपको इसमें बताया, ये लैपटॉप के इसमें। चलिए अब यहाँ पे बता दो कि इसकी जो SEO की जो 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 टाइप्स होती है वो कितनी होती है, जो उसकी टाइप्स है वो कम से कम दो होती है, ब्लैक हेड SEO और वाइट हेड SEO। ब्लैक हेड SEO वो होती है जिसमें आपको नुकसान होता है, आपको जो आप सॉफ्टवेयर के बेस आप काम करते हैं, जैसे बैक लिंक्स, आप सॉफ्टवेयर के बेस, आप सॉफ्टवेयर के बेस होता है वो, सॉफ्टवेयर के बेस वो नुकसान होता है आपको। हाँ देख रहे, अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैं आपको ज्यादा वाइट हेड SEO प्रेफर करूंगा वेबसाइट के लिए। अभी आपको बताऊंगा गूगल पर हम काम कैसे करेंगे, हम वो आपको मैं लैपटॉप की सीन में बताइए, जो भी क्वेश्चन जो भी है मैंने आपको बताया कि वाइप कौन सी यूज करें, की वाइप को कौन सी यूज नहीं करना, ठीक है ना। ऐसा अगर आपने अगर कोई वाइप, इसकी दो टाइप होती है, अब वाइटेड SEO की भी दो टाइप होती है देखा जाए तो, ठीक है ना, वाइटेड SEO की दो टाइप होती है, ऑन पेज SEO और ऑफ पेज SEO। जैसे अगर आपको कोई ऑर्गेनिक सर्च चाहिए या ऑर्गेनिक आपको आपको कैसे ऊपर या ऊपर तक नहीं जाए, जैसे अगर आपने कोई वेबसाइट हमने अपनी बनाई, उसके हमने डोमेन हमने सब कुछ बाय कर लिया, डोमेन हमने देखा उसके साथ उसी देख के करने की टाइटल दे सुन, आपको मालूम है जो आपको अगर टाइटल देना तो उसकी आपको नाम से ही देना, तो आप कैसे चाहिए आपको वेबसाइट को अपनी ऊपर लानी है, उसमें इंडस्ट्री और बैकलिंग यूज होती है, तो ऑन पेज ऑफ पे SEO इसमें यूज होता है दोनों में। तो ये तरीका होता है SEO यूज करने का। जैसे अगर आपको अपनी वेबसाइट को ग्रो करनी है तो ये तो मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा कि आप SEO कोर्स आपको फ्री में कहाँ से करना चाहिए, आपको YouTube SEO कोर्स बताऊंगा कि आपको YouTube आपको SEO कैसे यूज करनी चाहिए, तो ये दोनों बहुत सारी वीडियो अभी आपको लाऊंगा SEO के बारे में, आपको जो आपको फ्री SEO कोर्स आपको कहाँ से सीखना चाहिए, आपको कहाँ से सीखना चाहिए फ्री SEO कोर्स, और जो आपको क्या बोलते हैं SEO काम, SEO काम और क्या क्या होता है, YouTube SEO क्या होता है, SEO कोर्स आपको कहाँ से करना है, ऐसे आपको वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। चलिए।